फर्जी प्राइवेट अस्पतालों को बंद कराया जाए। झांसी कांशीराम विचार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद इमरान खान ने मंडल आयुक्त जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर झांसी नगर में चलाए जा रहे प्राइवेट अस्पतालों को बंद करने की बात कही। और भी क्या कहा सुनिए SRB पर खास रिपोर्ट। बताएं सर, क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारे नहीं, पूरे बुंदेलखंड की है। कांशीराम विचार पार्टी द्वारा जिलाधिकारी माननीय मंडल आयुक्त जी को एक ज्ञापन देकर के मैंने अवगत कराया है कि झांसी नगर में 117 प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं, परंतु किसी के पास भी फायर ब्रिगेड की NOC, JDA से नक्शा पास और ना ही पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। अगर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो शासन द्वारा इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? इससे पूर्व मैं समिति चलाया करता था, समिति का नाम था हिंदू मुस्लिम एकता समिति। हिंदू मुस्लिम एकता समिति के माध्यम से मैंने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, ज्ञापन भी दिए और अधिकारी इसमें हरकत में भी आए, कार्रवाई भी हुई, परंतु कोरोना के चलते हमारी फाइल को रोक दिया गया था। मुझे आश्वासन दे दिया गया था कि कोरोना काल के बाद आपकी फाइल पर विचार किया जाएगा। आज मैंने पुनः मंडल आयुक्त जी को, जिलाधिकारी जी को पत्र लिख करके कहा और हमारे पत्र को मंडल आयुक्त जी ने जिलाधिकारी जी को भी दिया। जिलाधिकारी जी ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जांच सौंपी और तत्काल सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने भी उस पत्र, हमारे पत्र को संबंधित अधिकारी जो तुम्हारे जिला अस्पताल झांसी के लिए लिख दिया है और इसमें हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द प्रशासन हरकत में आएगा और अभी तरीके से चलाए जा रहे हॉस्पिटलों को बंद कराने का कार्य कांशीराम विचार पार्टी करेगी।